संभल में शांति स्थापित करने में जुटी हुई है पुलिस। हिंसा वाले इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। संभल हिंसा पर पुलिस का दावा, भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई और पथराव वाली जगह से हथियार मिले। पुलिस ने डराने के लिए हवाई फायरिंग की। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने कहा, पूरी प्लानिंग के तहत भीड़ इकट्ठा करके हिंसा भड़काई गई। भीड़ ने चारों तरफ से घेर कर पुलिस को निशाना बनाया। कमिश्नर ने कहा, आरोपी कितना भी रसूखदार हो, कानून के तहत कार्रवाई होकर रहेगी। जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया। कहा, मस्जिद में खुदाई और वजू की अफवाह से हिंसा हुई। जफर अली ने आरोप लगाया, पुलिस प्रशासन की गलती हिंसा की वजह बनी। पुलिस ने लोगों को गालियां दी, लाठियां चलाई, जिसके बाद हिंसा बढ़ती। अपने खिलाफ FIR होने पर भड़के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान। कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए मेरे खिलाफ केस किया। सपा सांसद ने पुलिस और सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया। पुलिस ने हत्या करने में प्राइवेट हथियारों का इस्तेमाल किया। संभल हिंसा के आरोपी सोहेल इकबाल ने खुद को निर्दोष बताया। कहा, मेरे खिलाफ सबूत पेश करके दिखाएं, मैं तो शांति की अपील कर रहा था। जियाउर रहमान वर्ग के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव। कहा, हमारे सांसद संभल में थे ही नहीं, इसके बावजूद उन पर FIR कर दी। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि संभल में योगी सरकार ने दंगा कराया, चार लोगों की मौत पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया। कहा, DM SP पर चलना चाहिए हत्या का मुकदमा। अखिलेश यादव की अगुवाई में लोकसभा स्पीकर से मिला सपा सांसदों का एक डेलीगेशन। संभल घटना को लेकर आपत्ति जताई। संभल में तीन मृतकों के परिवारों से मिला जमीयत उलमाए हिंद का डेलीगेशन, कानूनी मदद देने का भरोसा दिया। संभल में हिंसा के बाद जामा मस्जिद के आसपास पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। कल मस्जिद के सर्वे के दौरान उपद्रवियों ने पथराव किया था। संभल हिंसा में चार लोगों की मौत को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया मर्डर। कहा, दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन हो। राहुल गांधी ने भी चार लोगों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। कहा, योगी सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण है, जल्दबाजी भरा है। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, मामले की जांच जारी है, निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। संभल जाने से रोके जाने पर भड़के चंद्रशेखर आजाद। कहा, यूपी में प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, यह गोधरा कांड की तरह विपक्ष की पूर्व नियोजित रणनीति थी। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, यूपी में पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली बना दिया गया है। संभल मस्जिद विवाद में याचिकाकर्ता महेंद्र ऋषिराज गिरी का दावा। का विक्रम संवत 987 के नक्शे में मंदिर होने के प्रमाण है। संभल में मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है। आदित्य ठाकरे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बनाए गए शिवसेना UBT के विधिमंडल के नेता। शिवसेना UBT के चीफ विप बने सुनील प्रभु। भास्कर जाधव को बनाया गया विधायक दल का नेता। शिवसेना UBT नेता आनंद दुबे का बयान, हमें पूरा भरोसा है हम आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में वापसी करेंगे। शिवसेना ने CM पद पर दावा ठोका। संजय सिरसाट ने कहा, चुनाव में एकनाथ शिंदे ही सरकार का चेहरा थे। शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने कहा, बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू हो, शिंदे के नेतृत्व में ही लड़ा गया था चुनाव। CM पद पर शिवसेना के दावे से BJP नाराज। विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा, दबाव बनाने से कोई फायदा नहीं है, BJP झुकने वाली नहीं है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने नाना पटोले के इस्तीफे से इनकार किया। कहा, यह सिर्फ अफवाह है, मायावती की जीत तो EVM की जीत है। राज ठाकरे की पार्टी MNS की मान्यता रद्द कर सकता है चुनाव आयोग। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा में एक भी सीट न मिलने पर एक्शन किया हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद मुंबई में फिर लगे मुख्यमंत्री योगी के पोस्टर। लिखा, बटेंगे तो कटेंगे, स्ट्राइक रेट 95%। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने याचिका वापसी की अर्जी मंजूर की। झारखंड BJP अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उम्मीद जताई, सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी BJP। रामवीर सिंह विधूड़ी की अध्यक्षता में हुई घोषणा पत्र समिति की बैठक। TMC ने तीनों अनुशासनात्मक समितियों का गठन किया। स्वागत रॉय और सुखेंदु शेखर रॉय को किसी समिति में जगह नहीं मिली। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। उन्होंने कहा, संसद में मुट्ठी भर लोग हुड़दंग करते हैं और सदन पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, जनता से नकारे गए लोग चर्चा नहीं होने देते हैं, उन्हें अपने दायित्वों की परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, दुनिया के लिए कोऑपरेटिव एक मॉडल है, भारत के लिए जीवन शैली है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत में सहकारिता आंदोलन का पुनर्गठन हो रहा है। सरकार इसे देश के हर गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। संविधान पदयात्रा में शामिल हुए किरण रिजिजू, शेखावत और मनसुख मांडविया। किरण रिजिजू बोले, इस साल संविधान के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, इसलिए यात्रा निकाली जा रही है। वक्फ बिल पर बनी JPC का कार्यकाल बढ़ाया गया। विपक्षी नेताओं ने लोकसभा स्पीकर से मांग की थी। वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान जंग। कहा, जान दे देंगे लेकिन वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे। वक्फ बिल के खिलाफ 30 नवंबर को सड़कों पर उतरेगी TMC। 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बड़ा दाव, दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन राशि बढ़ाई। 70 साल से ऊपर के लोगों को मिलेंगे 2500 रुपए। सुप्रीम कोर्ट का संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने से इनकार। कहा, यह संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सांसद इंजीनियर रशीद। संसद सत्र में भाग लेने के लिए मांगी अंतरिम जमानत।
जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी रोप वे प्रोजेक्ट का विरोध, नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। जम्मू कश्मीर के एलजी ने निर्माणाधीन तवी रिवर फ्रंट परियोजना का जायजा लिया, कहा प्रोजेक्ट से जम्मू में पर्यटन का विस्तार होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीचर ऐप का शुभारंभ किया, कहा शिक्षकों के लिए अलग करिकुलम बनाया गया है। अडानी ग्रुप से 100 करोड़ रुपए नहीं लेगी तेलंगाना सरकार, अडानी ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए डोनेट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में बदलाव किया, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना में शामिल महिलाओं की पुलिस हिरासत में उत्पीड़न की जांच करेगी एसआईटी। सुप्रीम कोर्ट का कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश, एक बेंच का गठन करें जहां एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव के नतीजे आए, एनएसयूआई के रौनक खत्री बने प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर 7 साल के बाद एनएसयूआई का कब्जा। एबीवीपी के भानु प्रताप सिंह वाइस प्रेसिडेंट बने, सेक्रेटरी के पद पर भी एबीवीपी के कैंडिडेट विजयी हुए। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत मिली, दिल्ली पुलिस ने फोन टैपिंग केस में पकड़ा था। अपनी यात्रा में खतरे पर बोले बाबा बागेश्वर, मेरी सुरक्षा प्रशासन चाहे तो कम कर दे लेकिन यात्रा में शामिल लोगों को सुरक्षा दे। कल से 31 दिसंबर तक चलेगा ओडिशा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बैठक की अध्यक्षता की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, शिक्षा में सुधार, विद्यालयों की आधारभूत संरचना मजबूत करने के निर्देश दिए। लंदन में एमपी के सीएम मोहन यादव ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए जर्मनी भी जाएंगे। ब्रिटिश संसद भी गए मोहन यादव, सांसदों के साथ खाना खाया, कहा भारत की संसद से यहाँ की संसद में बहुत कुछ अलग है। हिसार में रेलवे ओवर ब्रिज और रेलवे अंडर ब्रिज का उद्घाटन, मुख्यमंत्री सैनी बोले विकास को गति देना सरकार की प्राथमिकता। गुजरात के भावनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, तहसीलदार ने कहा अगले 3 दिनों में अभियान पूरा कर लेंगे। जेड स्टेट्स के खिलाफ कार्रवाई, ईडी का एक्शन, दिल्ली गुरुग्राम समेत 9 जगहों पर हुई छापेमारी में 1,39,00,000 रुपए जब्त। कोस्ट गार्ड की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, अंडमान निकोबार के पास म्यांमार की नाव से 5 टन ड्रग्स बरामद। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 के नियम लागू रहेंगे। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, पूछा ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर में स्कूल खोलने का फैसला दो दिन में बताएं स्कूल कैसे खोलेंगे। कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताई, कहा 18 से 23 नवंबर के बीच ग्रैब 4 के नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया, ट्रकों की एंट्री कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीएक्यूएम को निर्देश देंगे कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत सभी एजेंसियों से जवाब मांगे और उन पर मुकदमा चलाएं। दिल्ली की आबोहवा में मामूली सुधार, कई इलाकों में अभी एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। 2017-18 से देश के 130 में से 97 शहरों में वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने संसद में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, पर्यटकों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र, बर्फ से खेलते नजर आए टूरिस्ट। इटली के रोम में एमईडी मेडिटेरेनियन डायलॉग में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर शामिल हुए, मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात पर चिंता जताई। विदेश मंत्री बोले भारत मिलिट्री ऑपरेशन आतंकवाद और युद्ध में बंधक बनाने की निंदा करता है। विदेश मंत्री की सलाह, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, सभी देशों को सीज फायर का समर्थन करना चाहिए। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 10 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत ₹84.31। महाराष्ट्र में महायुति की जीत से शेयर बाजार में रौनक दिखी, सेंसेक्स 1355 अंक ऊपर चढ़कर 80,000 के पार हुआ, निफ्टी 314 की उछाल के साथ 24,000 के पार बंद हुआ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला भारत ने जीता, ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया। टीम इंडिया के कप्तान बुमराह ने 8 विकेट झटके, बल्लेबाजी में भारत के लिए दूसरी पारी में जयसवाल और विराट कोहली ने शतक लगाया। आईपीएल ऑक्शन के दूसरे दिन लगा पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर और न्यूजीलैंड के डेरल मिचेल को झटका, ऑक्शन में रहे अनसोल्ड। और कुणाल पांड्या को आरसीबी ने 5,75,00,000 में खरीदा, पंजाब किंग्स ने मार्को यानसन को 7 करोड़ में अपने साथ जोड़ा, गुजरात ने वॉशिंगटन सुंदर को 3,20,00,000 में खरीदा।